बॉलीवुड की धक धक क्वीन यानी माधुरी दीक्षित 80 और 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। माधुरी ने उस समय कई सारी फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट भी होती रहीं। उस दौरान जिन नामी फिल्मों का हिस्सा माधुरी दीक्षित थीं, वो थीं दयावान, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास और ऐसी ही कई सारी और फिल्म्स। माधुरी दीक्षित के पूरे फिल्मी करियर में एक दयावान फिल्म ही ऐसी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे बोल्ड सीन्स दिए थे और इस वजह से उन्हें फैंस ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना के साथ काफी सारे बोल्ड सीन्स दिए थे। इस फिल्म को स्टाइल आइकन ऑफ बॉलीवुड फिरोज खान बना रहे थे। कहते हैं कि जब माधुरी को ये समझ आया कि उन्होंने इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही बोल्ड सीन्स दे दिए हैं और इससे उनकी इमेज पर काफी बुरा असर पड़ेगा, तो वो फिरोज खान के पास पहुंची। उन्होंने फिरोज खान से रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी तरह इस फिल्म से उनके बोल्ड सीन्स हटा लें। हालांकि फिरोज खान ने माधुरी दीक्षित को दो टूक कह दिया कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले ही इसलिए हैं, वरना एक्ट्रेस को इतने पैसे कौन देता है। उस दौर में कोई भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं थी जिसे मेहनताने के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन माधुरी दीक्षित इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्म दयावान के लिए 1 करोड़ रुपए वसूल किए। जब माधुरी को ये समझ आ गई कि उनके रिक्वेस्ट का फिरोज खान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो उन्होंने चुपचाप बैठने में ही भलाई समझी और ये फिल्म यानी दयावान माधुरी दीक्षित के बोल्ड सीन्स के साथ ही रिलीज हुई। और माधुरी दीक्षित को सारी उम्र ये अफसोस रहा कि उनके पूरे करियर में इकलौती ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए थे वो थी दयावान, जिसका उन्हें काफी समय तक अफसोस भी रहा। बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।